हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम गुप्त वंश का इतिहास में स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश, गुप्त काल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक श्री गुप्त था। श्री गुप्त ने ही 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना गया है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। ये भी माना जाता है कि दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी गुप्त काल में ही हुई थी और मंदिरों का निर्माण कार्य भी गुप्त काल में ही शुरू हुआ था। यह भी माना जाता है कि बाल विवाह की प्रथा संभवतः गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई थी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के सोने के बनाए जाते थे। पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी। गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि दी जाती थी। बच्चों, कर रहित मतलब कर उन लोगों को नहीं लगता था, जबकि अन्य लोगों को उनकी उपज का छठा भाग भूमि राजस्व के रूप में राजा को देना होता था। गुप्त राजवंश अपने साम्राज्यवाद के कारण प्रसिद्ध थे। महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट और वराह मिहिर का संबंध गुप्त काल से ही था। वराह मिहिर ने ही खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंचसिद्धांतिका की रचना की थी। आयुर्विज्ञान संबंधी रचना करने वाले रचनाकार सुश्रुत का संबंध भी गुप्त काल से ही था। गुप्त वंश का उदय की बात करें तो श्री गुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक और गुप्त वंश की स्थापना करने वाला शासक था। पूना से प्राप्त ताम्र पत्र में श्री गुप्त को आदिराज नाम से संबोधित किया गया है। बच्चों, ताम्र पत्र कहां से प्राप्त किया गया? पूना से। घटोत्कच गुप्त श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र था जो सिंहासन पर आसीन हुआ। कुछ अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा भी बताया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त घटोत्कच का गुप्त का पुत्र था, जिसने चंद्रगुप्त घटोत्कच गुप्त का पुत्र था जिसने घटोत्कच गुप्त के बाद सत्ता की बगडोर संभाली। चंद्रगुप्त को महाराजाधिराज चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त को ही महाराजाधिराज चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। महाराजाधिराज का उपाधि थी, एक ऐसी उपाधि थी जो चंद्रगुप्त महाराजाधिराज की एक उपाधि थी जो चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी। संभवतः यह उपाधि उसके महान कार्यों के कारण ही उसे दी गई होगी। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है। गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्कों का चलन भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। चंद्रगुप्त के पश्चात 350 ईसा पूर्व के आसपास उसका पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था जो कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में स्थित पूर्वी मालवा तक
तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। इलाहाबाद शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त एक महान कवि और संगीतकार थे। समुद्रगुप्त को उसकी राज्य प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। तो बच्चों, आप समझ रहे हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त द्वितीय गुप्त राजवंश का अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसे विक्रमादित्य और देवगुप्त के नाम से भी जाना गया। विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी। इसे शक विजेता के नाम से भी पुकारा जाता है। चंद्रगुप्त के विक्रमादित्य ने लगभग 40 वर्षों तक राज किया। विक्रमादित्य के शासन काल को भारतीय कला व साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। साथ ही यह भारत के इतिहास का भी स्वर्णिम युग था। चंद्रगुप्त द्वितीय का विशाल साम्राज्य उत्तर से हिमालय के तलहटी इलाकों से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तटों तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम से गुजरात तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और द्वितीय राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन की दूसरी नाम उज्जैनी भी थी। प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय की दरबारी था, जिसे दरबार में सम्मिलित नवरत्नों में प्रधान माना जाता था, जिनमें प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी भी शामिल थे, जिन्हें आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान मानते हैं। आज धन्वंतरी प्राइज भी, धन्वंतरी का पुरस्कार भी इसी चिकित्सक क्षेत्र में दिया जाता है। अन्य सात रत्न अमर सिंह, शंकु, ज्योतिषी, बेताल भट्ट, वाराहमिहिर, घटकपर और वर रुचि थे। चीनी यात्री फहान या फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। तो बच्चे, ये क्वेश्चन आता है कि चीनी यात्री फहियान किसके काल में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। रजत, जिसे हम चांदी कहते हैं, के सिक्के शुरू करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, जिन्हें रूपक या रैपक कहा जाता था। महरौली स्थित राजचंद्र के लोह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या बनवाया था? लोह का स्तंभ बनवाया था। कहाँ बनवाया था? महरौली में, महरौली के राजचंद्र में। इसके बाद आया कुमारगुप्त प्रथम। चलिए इनके बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर आसीन हुआ। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त प्रथम के ही शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में? कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुई थी। कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय का ही भांति राज्य को सुव्यवस्था और सुशासन से चलाया था और अपने पिता के दिए साम्राज्य को ज्यों का त्यों ही बनाए रखा था। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी पुत्र स्कंदगुप्त राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसे काफी लोकहितकारी सम्राट माना गया। उसे कमरादित्य और विक्रमादित्य आदि उपाधियां प्राप्त की थी। स्कंदगुप्त ने हूनों के आक्रमण से भी देश को बचाया था और स्कंदगुप्त के पश्चात कोई भी गुप्त वंश का राजा अपना प्रभुत्व इतना बढ़ा सका जिसकी जानकारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो, जिस कारण स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो गुप्त वंश का सबसे
लास्ट जिसे कहेंगे, अंतिम कहेंगे, वो कौन था? विष्णु गुप्ता। गुप्त वंश के पतन का कारण, तो गुप्त वंश के पतन का कारण पारिवारिक कलह और बार बार होने वाली विदेशी आक्रमण माने जाते हैं, जिनमें हूनों द्वारा आक्रमण को मुख्य कारण माना जाता है। बच्चों, आज हम लोग इसका गुप्त वंश का पूरा कार्यकाल देखे हैं और गुप्त वंश का संस्थापक देखे हैं। आपकी अगर इच्छा जाहिर हो तो हम आगे भी इसी तरह का वीडियो बना के आपको देते रहेंगे। आज हम यहीं पे अंत कर रहे हैं। आगे और भी क्वेश्चन हैं, आप अगर अपने कमेंट में लिखिए या मुझे मैसेज करिए कि हाँ और वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए इसी तरह से और भी बनाएंगे। चलिए, आज आपको मेरे तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।